जनपद आगरा के कस्बा शमशाबाद में भारतीय जनता पार्टी की इकाई भाजपा युवा दल द्वारा बच्चों के खेल कूद, डांस, गायन और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों के साथ सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने कार्यक्रमों की ऐसी प्रस्तुतियां दी कि लोग ताली बजाने पर मजबूर हो गए। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा युवा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत गुप्ता ने मां सरस्वती का दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण करके की। वहीं अजीत गुप्ता को युवा दल द्वारा चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मान किया गया। अजीत गुप्ता ने बताया कि हमारा उद्देश्य अपने समाज के बच्चों को इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा प्रोत्साहित करना है और इन्हीं बच्चों को ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना हमारी प्राथमिकता में है, जिससे ये बच्चे समाज का नाम रोशन करेंगे। वहीं कार्यक्रम में जज के रूप में आई डॉक्टर मंजू भदौरिया ने कहा कि ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। हमारे समाज को भी यह समझना होगा कि बच्चों को इस तरह के कार्यक्रमों में जरूर प्रतिभाग करना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर देश का नाम रोशन करते हैं। कार्यक्रम में शमशाबाद मंडल भाजपा युवा दल अध्यक्ष अमित गुप्ता, विजय गुप्ता, सौरभ गुप्ता, अभिषेक गुप्ता आदि मौजूद रहे। मैं अजीत गुप्ता, हिंदू युवा दल अध्यक्ष हूँ, मातृवादी हिंदू युवा दल। देखिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको समाज से जोड़ा कर दिया जाए, ये बहुत जरूरी है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ शमशाबाद है। आदरणीय वो देखिए हमारे केजरीवाल जी, जो हमारे एक बट ब्रश हमारे समाज से पहले, आज उन्हीं के कार्यकर्ता दिवस हम लोग यहाँ मना रहे हैं और इस शहर इस तरह का अच्छा प्रोग्राम यहाँ की युवा दल टीम कर रही है। बाकी मैं बहुत स्वागत हूँ। हाँ, ये हर साल मनाया जाता है शमशाबाद में। हम लोग 131 साल से इस तरह की कल समारोह और धूमधाम से जयंती मनाते हैं। और इसको अच्छा बनाने के आप क्या करें? देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनका हम टैलेंट सर्च कम्पिटिशन ऑल इंडिया लेवल पर भी कराएंगे। इकाई स्तर पर हुआ है, फिर हम लोग मंडल स्तर पर करेंगे और उसको ऑल इंडिया लेवल पर जितने बच्चे होंगे उनका टैलेंट सर्च करेंगे, डांसिंग, मिमिक्री, सिंगिंग, उन बच्चों को छाटे और उनका एक नेशनल लगभग कितने आप सब लोग देख रहे हैं? मेरे ख्याल से लगभग 1000 के लगभग आस पास। आज हमारी युवा दल शमशाबाद की टीम ने जो 7 और 8 तारीख को खेलकूद की प्रतिभा दूर थी उसको लेकर 16 तारीख को मंचीय कार्यक्रम रखा, जिसमें सभी बच्चों को पुरस्कार वितरण मूवमेंट द्वारा फर्स्ट ब्रेक थर्ड पुरस्कार और जो प्रशस्ति पत्र है साथ में देकर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो समाज के बच्चे हैं वो इस स्टेज से ऊपर खेल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने समाज का नाम रोशन करें। और इसी संदर्भ में ये हमने खेलकूद प्रतिभा रखी है, क्योंकि इस समय खेलकूद का प्रचलन बहुत ज्यादा है और इसके लिए हमारे केंद्रीय बादल के अध्यक्ष अजीत जी गुप्ता ने मंच पे आके हमारी शोभा बढ़ाई है और हमारे फटवारी के मंडल प्रमुख नितिन जी और उनकी टीम का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो उन्होंने कीमती समय निकालकर हमारी युवा दल टीम का प्रोत्साहन बढ़ाया है और मैं चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। कार्यक्रम का संचालन हमारे स्वयंपुर से 3 लोग कर रहे हैं, जिसमें एक है हमारे शाखा सभा के मंत्री जी कन्हैया, एक हमारे मनोज गुप्ता वाले और उनके सहयोगी हैं देवगुप्ता रामपुरिया। करीब कितने बच्चों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया? करीब करीब 650 बच्चों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया रहा, जिसमें से करीब करीब 100 के करीब उसमें बच्चे ने प्रतियोगिता जीती है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ हम उनका प्राइज वितरित कर रहे हैं। डॉक्टर मंजू सिंह यहाँ पे अरे जज मुझे सिलेक्ट किया गया है। कार्यक्रम को आज रखा गया है, क्या कुछ कहना आपको इस कार्यक्रम को देखकर बहुत खुशी हुई है आज। और मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी प्रतिभा इस तरह से मतलब शो कर रहे हैं, मुझे लगता है आगे जाके बहुत कुछ करने वाले हैं और इन बच्चों की प्रतिभा को कंटिन्यू रखना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं कामना करती हूँ कि ये बच्चे अपनी प्रतिभा को अनुशासन में रखते हुए इस राष्ट्र का क्षेत्र का नाम रोशन करें। ऐसी आगे बढ़े नहीं देते बच्चे, लगता है कि ऐसे इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कार्यक्रम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, इससे क्या होता है बच्चे के अंदर जो प्रतिभा छुपी होती है वो उभर के आती है और बच्चे एक कॉन्फिडेंस बच्चों में क्रिएट होता है कि आई कैन डू एनीथिंग, आई एम एवरीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग फॉर द सोसाइटी, आई एम इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी। सो आई फील वेरी हैप्पी टू सी ऑल द थिंग्स।